Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आज ज्यादातर निवेशक जानते ही होंगे, लेकिन जिन निवेशकों को शेयर बाजार की जानकारी कम है वो म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए या सीधे एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और शेयर बाजार में मिलने वाले मोटे रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की तरह ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होते हैं PMS फंड्स के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको फायदे के फंड में बताएंगे मैनेजमेंट सर्विस क्या होती है और वे किन लोगों के लिए फायदेमंद होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी PMS भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होती है। PMS और म्यूचुअल फंड्स दोनों को ही पेशवर यानी फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है निवेश की रकम का। म्यूचुअल फंड्स में ₹500 की निवेश से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन PMS स्कीम्स में निवेशक ₹25 लाख से शुरू करते हैं। PMS स्कीम्स को हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स यानी HNIs के लिए बनाया गया है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश का खर्च काफ़ी कम होता है, जबकि PMS स्कीम्स में निवेश का खर्च यानी मैनेजर्स की फीस काफ़ी हाई होती है। PMS स्कीम्स में एंट्री और एग्जिट लोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बड़े निवेशकों के लिए है जो बाजार को थोड़ा समझते हैं और उनके पास निवेश के लिए मोटी रकम है। म्यूचुअल फंड्स और PMS में एक और बड़ा अंतर है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स को SEBI रेगुलेट करता है, जबकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर कोई रेगुलेट नहीं करता इसको। अब आते हैं PMS स्कीम्स के रिटर्न और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न पर। रिटर्न के मामले में PMS स्कीम्स का रिटर्न म्यूचुअल फंड्स पर भारी पड़ता दिख रहा है। टॉप PMS स्कीम्स में निवेशकों का 100% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न मिला है। ग्रीन लैंटर्न कैपिटल की स्मॉल और मिड कैप स्कीम ने पिछले एक साल में 120% का रिटर्न दिया है। इन्वासेट की मल्टी कैप स्कीम ने 115%, एसेट सी मेहता की मिड कैप स्कीम ने 102% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्ट सावी की फ्लेक्सी कैप स्कीम ने 98% और सैम विट्टी की मल्टी कैप स्कीम ने 93% का रिटर्न दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि PMS स्कीम्स में पैसा लगाने वाले निवेशकों को एक साल के अंदर ही पैसा डबल हो गया है। ये सभी स्कीम फ्लेक्सी कैप थी। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम का रिटर्न भी देख लेते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने एक साल में 65% का रिटर्न दिया है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने 40%, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने 34% और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 46%, मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप फंड ने 36% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो अब यहाँ आपने फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम का रिटर्न देख लिया। ये PMS स्कीम के रिटर्न से काफ़ी कम है। बस फर्क इतना है कि PMS स्कीम में वो ही लोग पैसा लगा सकते हैं जिनके पास निवेश के लिए भारी भरकम रकम है। अगर SIP की सोच रहे हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम ही बेहतर है, लेकिन अगर आप एकमुश्त मोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो PMS स्कीम्स के बारे में आप सोच सकते हैं। वैसे यहाँ ध्यान में ज़रूर रखें कि मोटी रिटर्न के पीछे रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या PMS स्कीम्स में पैसा लगाना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय ही ले और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कीजिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहाँ आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।